Thank you.
Thank you.
पॉलिश, अरे वो फीता डाल सफेद वाला, 1 रुपए का 2 है। अले इधर डाल। वेणु गणेश, ए रघु, अरे वाह रघु, ये तो पहचान में नहीं आ रहा है। ये कोट, ये जूते, ये सब मैंने नया खरीदा। पैसे? पैसों की कमी नहीं मेरे पास। आज तुम जो कहोगे वो तुम्हें खिलाऊंगा। चलो चलो। अरे ओए ओए, अरे अरे अरे, अरे दुकानदारी करते हो, मजाक करते हो? एक फीता जूते में, एक फीता हाथ में। अबे ओए क्या मांग रहे हो? 1 रुपए का फोकट में लिया था। ले लो रुपया। आज के बाद मैं भी तुम लोग के साथ रहूंगा। हाँ। और जब गुस्सा तो पैसे भी मैं दूंगा रहने के लिए। चलो चलो चलो। कौन जग्गू? अबे ओए, अबे सुनो, जुगल रघु आया था स्कूल में? नहीं, दिखा था लाल कोट पहने। लाल कोट किसने दिया पहनने को? गणेश, रघु के पास इतने पैसे आए कहां से? कहीं से भी, तू खाने से मतलब रखना। और क्या, अब तू देखती जा रघु और क्या क्या खरीद के लाता है। रघु नहीं फिर रघु सेठ। अब इतना भी मत निकाल, 1/4 किलो तो कंकड़ निकलते हैं तेरे चावलों से। तो है? उधार भी लेते हो, नखरा भी दिखाते हो, लाओ थैली लाओ। चलो चंदा, रघु आया था रात को तेरे घर? हाँ आया था, मुन्नी से 8 आने मांगने। तुम लोग उसे किसी काम धंधे से क्यों नहीं लगाते? वो सुनता ही नहीं, बोलता है मैं पढ़ूंगा। रात बालू के बाबा को इसी बात पर गुस्सा आ गया, उन्होंने उसे निकाल दिया घर से। अच्छा किया, 2-4 दिन फुटपाथ की खाक छानेगा, अपने आप अकल आ जाएगी। लाला 1/2 किलो चावल और 1/4 किलो दाल और दे दे, बस 2-4 दिन में चुका दूंगी। लाला, नया बैग खरीदा? हाँ, ये देख दांत का ब्रश। हाँ, मंदिर में ट्यूब नहीं आया? लाया ना। अरे कंघा, ए मेरे को दे, मेरे को दे। मैंने कभी इतनी साफ कंघे से बाल नहीं बनाए हैं। फिर रहने दे, ये भी तेरी तरह गंदा हो जाएगा। खुद बड़ा साफ रहता है ना, तुम दोनों के हाथ पैर पर तो पॉलिश लगी रहती है हरदम। छी, मैं साबुन भी लाया हूँ। हाँ? ये देख, ये देख, क्या खुशबू है रे। तू इस साबुन से रोज नहाएगा? हम सब नहाएंगे। अभी नहाए? हाँ अभी नहाते तेरे साबुन से। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है अभी नहाते। ये साबुन पकड़।
साबुन चलाने के बाद एक गंदे कपड़ों को पहनने का मन नहीं करता ना। तूने ही तो साबुन पानी में गिरा दिया, नहीं तो कपड़े भी धो लेते। चल चल, नहाने के साबुन से कोई नहीं धोता कपड़े। जा रघु, जाके कपड़े धोने का साबुन ले आ। हाँ, 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 हाँ। साबुन क्यों? मैं तुम लोग को नए कपड़े दिलवाता हूँ ना। सच? हाँ दिलवा देना, वैसे भी ये नए कपड़े पहनकर जमता नहीं हमारे साथ। हाँ। अच्छा फिर चलो। ये पूरा 200 और बनता वो भी लो। क्या बनता? बड़ा पाव की पापा उछल पाव, बाकी जो है लेता। देख ये छोकरा लो वो बाबू मचाता, बेटा नहीं किसे भी कीमा पाव मंगाता। होटल क्या बाप का समझा है हा? सुनता नहीं खाली भोकर किट किट नहीं, देखता नहीं रघु साहब आए, जाओ जल्दी लेकर आओ। बड़ा पहले लिस्ट बताओ, शाम को ठंडा पानी लाओ, गंदा गिलास छी छी छी, पहले इसको साफ करो जी। टेबल पर है उसमें दाग, क्या कहेंगे रघु साहब। चिकन टोमेटो ऑमलेट पुलाव बिरयानी वेज कटलेट, चिकन टोमेटो ऑमलेट पुलाव बिरयानी वेज कटलेट। खलास हो जाएगा खास ले। जो? मछली फ्राई नान क्रीम रोल उसल मिसल क्या क्या दूं बोल। अब ये साहब लोग सोएगा भी इधर ही।
ये भी खरीदा तूने? हाँ, ये दोनों तरफ से खुलता है। देखा? देखा? अब दूसरी तरफ से। उठाई? ये खुशबू वाला रबर है। ए रघु, एक बार सूंघने देना। देना रघु, देना। ए रघु, मुझे भी बताना। मुझे भी, मुझे भी। मैं सूंघाता हूँ। छीनेगा तो नहीं सूंघाऊंगा। अच्छा बाबा, नहीं छीनूंगा, तू सूंघा। ये क्या हो रहा है? रघु खुशबू वाला रबर लाया है। अच्छा रघु, दिखा तो। दिखा ना। नहीं दिखाऊंगा। और सुन, हवलदार को बोलना मैं उसका पैसा वैसा नहीं देने वाला। ठीक है। ए जग्गू, वो तीनों आ रहे हैं। मैं पीछे से होकर निकलता हूं। कौन से? सलाम सेठ, वो घोड़े की खाल वाला, घोड़े की नाल वाला मिला? मिलेगा भी नहीं सेठ। तुम खाली फोकट में इधर टाइम वेस्ट कर रहा है। चलो। वो छोकरा अब नहीं मिलने वाला। लेकिन उसका मिलना बहुत जरूरी है। उसे मालूम है जग्गू कहाँ है। अरे मैंने उसके मुंह से जग्गू का नाम सुना है। मतलब ये हम उस छोकरे को सारी बंबई में ढूंढते फिरे। खैर इसी में है, यहाँ से लौट चले। अरे नहीं नहीं, मुझे मालूम वो कहाँ है। चलो चल। अरे चलो तो सही तुम। वेणु, गणेश, रघु, अरे वो जग्गू साथ आया कि नहीं? आएगा तो गुत्तू मैडम आएगा। क्यों हमारे पीछे पड़े हो? अच्छा, मेरी वजह से यार के डिब्बे में रहते हो और मेरे साथ ही जुबान चलाते हो। निकालो मेरे रुपए। हम तो जग्गू उस्ताद को पैसा देता है। तो ठीक है, मैं आज ही मालगाड़ी के डिब्बे में परमानेंट चला दूंगा। नहीं मामा। तो निकालो 200 रुपए। 200 रुपए हम कहाँ से लाए? चोरी करो? मेरा मतलब कहीं से भी लाओ। अच्छा चलो छोड़ो, 200 नहीं तो कम से कम 50 तो दो। ठीक है, मैं ला के देता हूँ 50 रुपया। कहाँ से? तुम्हें रुपया चाहिए ना, कल मिल जाएगा। चल रहे वेनू। जग्गू उस्ताद के सामने कैसे धूम मिलाता रहता है। कल मैं कोई भाना वाना नहीं सुनूंगा। क्या है? बार बार डिब्बे को ठोकने से वो लड़का नहीं मिलने वाला। लेकिन मैंने उसको यहीं पे देखा था। अच्छा अच्छा, आप लोग हैं। मैं समझा चोर चक्के हैं। पर आप लोग तो टूरिस्ट हैं। पर कई लोग हैं जो गलत धंधा भी करते हैं यहाँ। अच्छा चलता हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। तुम एक दिन हमें मरवा के रहोगे जरूर। लेकिन मैंने उस लड़के के मुंह से जग्गू का नाम सुना था। चुप। क्या है? अरे चल जल्दी चल। नहीं, कहाँ जा रहे तू मुझे? चल मैं बता दूँ। चल। अरे अरे अरे। अरे अरे चल तो चल। अरे चल तो चल चल, आजा चल जल्दी। इसमें क्या है? इसमें हाथ डाल के देख। देखा? इतने पैसे ये कहाँ से है तेरे पास? ये नहीं बताऊंगा। तूने चोरी की? नहीं, ये मैंने बनाया है। मतलब? मतलब बाद में बताऊंगा। इसमें से 50 रुपए किसी को देने। चल पकड़। चल जल्दी। रघु, तुम्हें सचमुच नीले बालों वाली बुढ़िया मिली? हाँ। मैं हाथ डाल के देखूं तेरी जेब में? नहीं, मैं बताता हूँ। क्या? मैं क्यों नहीं देख सकती?
मैं बता रहा हूँ ना तुझे रुपया निकाल कर। नहीं, मैं अपने हाथों से निकालूंगी। अच्छा, एक बार बस। अरे रघु, तेरा कोट तो सचमुच जादू का है। तूने किसी और को बताया तो नहीं? तेरे अलावा और किसी को नहीं। कहाँ जा रहा है? मग्गा नवालदार को 50 रुपए देने। सुन, मेरा कोट जादू का है, किसी को नहीं बताना। नहीं बताऊंगी। मुझे भी क्यों नहीं मिलती नीले बालों वाली बुढ़िया? मैंने भी तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये हो गए पूरे 316 रुपए। अम्मा, 10 मैं ले लूं? नहीं नहीं, तू सिर्फ 2 रुपए रख, 10 लेगा तो शक होगा। हुँ? अम्मा, रघु को इतने सारे पैसे मिले कहाँ से? अरे निकाले होंगे किसी टेलीफोन के डिब्बे से, किसी को बताना मत, अपने बाबूजी तक को नहीं। अम्मा, लाइट आ गई, अब मैं जाऊँ भेल लाने। अच्छा जा। अरे सुन, मेरे लिए भी एक लेता आना। हा? अच्छा अम्मा, तीखी वाली। अब तो मैं इन रुपयों से अपने लिए चांदी की पायल बनवाऊंगी। 1, 2, 3। लाला, घासलेट खत्म हो गया है, थोड़ा उधार दे दे, कल ला कर दूंगी कहीं से भी। मुझे पैसे देने की जरूरत क्या है? अरे करोसिन, क्या तू और भी जो चाहे ले जा, रघु बोल के गया है वो सारे पैसे चुकाएगा। सच? पूरे 200 रुपए दे के गया। आशा, इतना सामान उधार ले गया क्या लाला से? नहीं, रघु 200 रुपए जमा करवा के गया था लाला के पास। कहां से? कहीं काम ही कर रहा होगा, चोरी तो करेगा नहीं। अरे वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। देखो, आज उसकी बदौलत घर में महीने भर का राशन आया है, अब वो कहां से लाया कैसे लाया उसके पीछे मत पड़ो। जरा ये घास लेकर घर तक चलो, मुझे सब नहीं उठाया जाता। अरे घर है ही कितनी दूर, उस लाट साहब की खोज खबर मैं लेता हूँ, आखिर कहां से आए उसके पास इतने पैसे हैं? कपड़ा, जूता कहां से लाए रे? कहीं से भी। कुबेर का खजाना हाथ लग गया क्या? छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। ले, छोड़ दिया। चल, चल सीधा। मैं नहीं आऊंगा। अरे चल चल। नखरा? अच्छा, अच्छा। अरे, अरे तेरी तो, अरे रघु, छोडूंगा नहीं। अरे आज तू नहीं बताएगा। अरे रघु, अरे तेरी तो, रघु, अरे मैचेस प्लीज। तुम यही रहते हो आसपास? आसपास इधर ही। किसी घोड़े की नाल बनाने वाले को जानते हो? काय की नाल? अरे घोड़े की जो पैर के नीचे लगी रहती है ना, जो टपाटप 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 टपाटप। अरे घोड़ा, घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा। घोड़ा गाड़ी चौपाटी। आइए आइए आइए। अरे मैं तुमको देखने के लिए ही तो यहाँ आया हूँ। तुम परसों अपने दोस्तों से कह रहे थे ना कि तुम जग्गू उस्ताद के साथ रहोगे, तुम किस जग्गू की बात कर रहे थे? बताता हूँ, पर पहले मेरे जीजा से कहो कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करता हूँ। आओ। क्या बात है भाई? वो क्या है साहब, ये छोकरा मेरा साला है, घर नहीं आता। मैं इनके साथ काम करता हूँ। हाँ, वही रहूंगा। अरे जीजा जी, इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये मेरे साथ बड़े आराम से रहेगा। चल बेटा चल, चला। अरे जहां मर्जी जाकर रहा। अरे चल ना।
मगर तनख्वाह घर में देना वरना अरे तुमने अपने जीजा को खूब डांटा दिया। वो बहुत गुस्से वाला आदमी है, मेरे बहन को भी पीट देता है कभी कभी। वाकई तब तो बहुत खराब आदमी है। वैसे तुम्हारे जीजा करता क्या है? कुछ नहीं, इसीलिए तो मैं लाला को पैसे दे के आया हूँ ताकि वो मेरे बहन को सौदा दे सके। कितने पैसे? 200 रुपए। कितने पैसे थे तुम्हारे पास? हाँ, मैंने मगन हवालदार को भी 50 रुपए दिए जग्गू की गोली पे रहने के लिए। जग्गू है वो? कहा ना, वो बाहर गया है। वो होता तो वेणु गणेश की बारिश पेटी नहीं ले जाते। वो कौन? वही म्युनिसिपैलिटी वाले, उनका जुर्माना भी मैंने भरा 100 रुपए। बापरे, इतने पैसे थे तुम्हारे पास? सेठ बुला रहा है। हाँ अभी आता हूँ, एक मिनट। बोलो सेठ। 400 से ऊपर उधार हो गया है तुम्हारा। अब हंसने की क्या बात है, पैसा कब देगा हमारा? अरे वो घोड़े की नाल बनाने वाला मिल जाएगा ना तब। हम कुछ नहीं जानता घोड़े की नाल वाल, अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो होटल के बर्तन धोवाएगा तुमसे, समझे? चाय का पैसा? ये तो 1-1 रुपए के सिक्के किधर से ले आता रोज रोज? अरे अरे मैं भी आया। मैं ये क्या किया तुम, फालतू में जार तोड़ दिया, निकालो 40 रुपया। मेरे पास हम कुछ नहीं जानता, कोट पैंट पहन के फोकट में बन गया टूरिस्ट, पैसा निकालो। देखिए प्लीज प्लीज, अब मैं चप्पल दे दूंगा आपको। छोड़ दो इसे, मैं देता हूँ इसका 40 रुपया। जाओ जाओ लेके आओ, जाओ। तुम उधर जाके बैठो, बैठो उधर, बैठो बैठो। कस्टमर जार तोड़ दिया, बैठा है इधर ही। ये लो। अरे फिर 1-1 रुपए के सिक्के पूरे 40। चलो ये लड़का इस वक्त हमारे बड़े काम आ सकता है, ही इज ए गोल्डन बॉय। हो सकता है उसने वो पैसे गुल्लक में जमा किए हों। गुल्लक में कहां से आएंगे इतने पैसे? 50 रुपए दिए उसने हवलदार को, 100 रुपए दिया उसने जुर्माना, 200 रुपए का सामान खरीदा अपनी बहन के लिए, 40 रुपए दिया ईरानी को, कुल मिलाकर 400 रुपए। 390। हाँ, मगर सब नहीं सकते, ये लोग जग्गू के आदमी है, इन्होंने किसी बैंक से रुपया लूट कर कहीं छिपा रखा है। अगर ये खजाना हमारे हाथ नहीं लगा ना तो इस लॉज का मैनेजर हमें पुलिस के हवाले कर देगा, और देने को हमारे पास दिल नहीं है, समझते क्यों नहीं तुम लोग? कौन है वो मैनेजर? वो मैनेजर नहीं था, कोई और ही था, हम तो बेकार ही डर गए। जी यहाँ कर हम लोग अच्छे फंस गए, इसीलिए तो उस लड़के को पकड़ कर हमें पूछना चाहिए कि कहाँ चला था इतने पैसे। ठीक है, कल ही उसे दबोच कर उसे खजाने का पता पूछ लेते हैं। बिल्कुल हाँ, बस चाकू को देख कर वो सब कुछ उगल देगा, और अगर नहीं उगलेगा तो उसकी गर्दन। मैंने तो किसी को ये तक नहीं बताया कि तेरा कुछ जादू का है। रघु रघु रघु, मुझे नहीं लगी तुझसे दोस्ती।
देखी तब? जग्गू साहब को देखने नहीं आए। फिर? काजल कह रहा था तेरे पास और पैसा है? कितना? अरे भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया तो, अरे भाग गया तो, भाग गया काजल, बचाओ, अरे भाग, अरे भाग क्या, पकड़ो, पकड़ो, अरे काजल, भाग क्या, भाग, अरे भाग दुबारा में क्या, एक काम भी तुम नहीं होता, भाग उसका पीछे, ओहो, अरे तू तो बचा ना, अरे आया हुआ शिकार खा दिया, के बहुत तेज चाकू है। कहाँ रखा पैसा? मुझे नहीं मालूम। बताता है कि नहीं? एक एक रुपए के सिक्के कहीं जमा करके रख रखे होंगे ना? बता दे। बोलो। बताता हूँ। शाबाश। मैं जितने एक रुपए के सिक्के चाहूँ उतने मैं निकाल सकता हूँ। कहाँ से? कोर्ट से। हाँ? कोर्ट से? एक रुपए ना रहे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखो। ये पहले से होगा इसके पास। ये देखो, एक और निकला। और ये देखो। अरे अभी पता चल जाता है। अरे हाँ, अरे अच्छा बताओ ये जादू का कोट तुम्हें कहां से मिला? नीले बालों वाली बुढ़िया ने दिया। नीले बालों वाली बुढ़िया? एक बार में एक ही रुपया निकलता है, ज्यादा नहीं? नहीं, एक बार एक ही रुपया निकलता है। तुम लोगों को जितना रुपया चाहिए होगा मैं दे दूंगा, पर आप मुझे घर जाने दो। हाँ हाँ, तुम घर जाओ, घर जाओ, लेकिन ये कोट हमें देते जाओ। नहीं, ये कोट मैं नहीं दूंगा। अब तो ये कोट हमारा है, अब तो ये कोट हमारा है, अब तो है हमारा, मत लेके जाओ मेरा कोट, अरे मेरा कोट मत ले जाओ। क्या क्या क्या? यानी प्रोविडेंट फंड, हमारा प्रेजेंट फ्यूचर, अब तो ये कोट हमारा है। अरे मेरा कोट, चलो, अरे 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 मत ले जाओ मेरा कोट। मगर रघु को पकड़कर उन तीनों को क्या मिलेगा? उसका कोट, इसीलिए तो वो तीनों उसे पकड़ कर ले गए हैं। सिर्फ वो कोट के लिए? हाँ, रघु का कोट जादू का था, उसकी जेब से एक एक रुपए के सिक्के निकलते थे। तो वो पैसा सब उसकी जेब का था? सच? हाँ हाँ सच। रघु, 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 उन्होंने मेरा कोट ले लिया। खुल जा सिम सिम सिम। पहले मैं निकालूंगा, पहले मैं निकालूंगा, चलो निकालो। आजा, आजा, आजा। क्या हुआ? रुपया नहीं मिल रहा। क्या रखते हो? हटो, मुझे देखने दो। लो। मुझे दो। अरे यार, अरे दूसरी जेब देखो ना। ये 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 दूसरी जेब। देखा, मैं कभी झूठ बोल रहा था, मैं कभी झूठ बोल रहा था। अरे 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 छोड़ो यार, इससे कुछ नहीं निकलेगा। अरे मुझे देखने दो। ओहो, कितना ही दबा लो, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। देख ले तो दो ना। है? नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? अरे हमारी अकल घास चरने चली गई थी जो हमने उस लड़की की बात मान ली। अगर उस लड़की ने तब हमारे सामने तो एक एक रुपए के सिक्के निकाले थे, तो फिर यहाँ क्यों नहीं निकले? कोर्ट का जादू ऐसे नहीं चलता। कैसे चलता है? जब वो लड़का कोर्ट को पहनता है। हाँ, जब हमने रुपये निकाले थे कोट उसने पहन रखा था। ओ, ओ,
अरे बड़ी गलती हो गई, तब तो हमको उस लड़की को ही किडनैप कर लेना चाहिए था। अरे मैनेजर होगा, काजल जरा देखना। अरे नमस्ते। हट। तुम लोग वाकई टूरिस्ट हो? हाँ, हम लोग तो आज वापस भी जा रहे हैं। उस बच्चे का कोट चुरा के? कोट? कौन सा कोट? हमने तो कोई कोट नहीं देखा। हाँ, हम कोट का क्या करेंगे? कोटे दिलाओ। लाओ। शर्म नहीं आती बच्चे का कोट चुराते हुए? हे, ये मेरा इलाका है, यहाँ रहना है तो शरीफों की तरह रहो, वरना हवाला की सैर करवा दूंगा। ए! लो, कोट हाथ से निकल गया। अब ये जाकर उस बच्चे को दे देगा। बोरे मगन मामा, 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 मगन मामा। कोट मिला मगन मामा? उठाई नहीं उनके पास, मैंने पूरे कमरे की तलाशी ली। ओए, कहीं तुम जानबूझ के तुम तीनों का नाम नहीं लगा रहे ना? वो शरीफ लोग हैं। नहीं मगर मामा, वो तीनों चोर उचक्के हैं। अरे तो चोर उचक्के हैं तो पकड़े जाएंगे एक दिन, फिलहाल कोर्ट नहीं है उनके पास। चलो फूटे यहाँ से, लॉज के बाहर क्या भीड़ लगा रखी है। चलो बुरा कोर्ट। कोर्ट तो इसने छिपा रखा है, अब ये घर जाकर पैसे निकालेगा कोर्ट से। अरे अरे देखो 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 मैं क्या लाया, क्या ला लाया। ये क्या उठा लाए हो? धीरे बोलो, तुम्हें पायल चाहिए थी ना? ये पायल तो क्या, मैं तुम्हें चांदी सोने से ला दूंगा। जानती हो ये क्या है? ये तो किसी भिखमंगे का कोट लगता है। अरे नहीं नहीं, अरे ये जादू का कोट है, जानती हो? लाया। ये क्या उठा लाए हो? धीरे बोलो, तुम्हें पायल चाहिए थी ना? ये पायल तो क्या, मैं तुम्हें चांदी सोने से ला दूंगा। जानती हो ये क्या है? ये तो किसी भिखमंगे का कोट लगता है। अरे नहीं नहीं, अरे ये जादू का कोट है, जानती हो? इसकी जेब में से जब चाहो एक एक रुपए का सिक्का निकाल सकते हो। ये अब मैं तुम्हें सब कुछ खरीद दूंगा। ये रहा जादू का कोट। निकल। क्या हुआ? इसमें से रुपया नहीं निकला। निकलेगा कैसे? तुम हमेशा बेसिर पैर की बातों पर यकीन कर लेते हो। मुझे उन्होंने यही कहा था। किसने किसने कहा था? रघु और वेणु ने। उन्होंने तुम्हें उल्लू बनाया है। अच्छा हुआ, मैं तो पहले से ही पायल ले आई। कहाँ से? अब तुम जुगल को डांटने मत लग जाना। रघु ने एक एक रुपए के सिक्के कहीं छुपा रखे थे, जुगल जाके ले आया। एक एक रुपए के सिक्के? उसने जरूर टेलीफोन के डिब्बे से चुराए होंगे। अच्छा, ठहर, तो मैं जाकर अभी पकड़ता हूँ। खबरदार, उनको पकड़ने से मैं नहीं फंस जाऊंगी। उठाकर बाहर फेंको इसे, वरना लोग कहेंगे एक हवलदार ने बच्चे का कोट चुरा लिया। भाग ले जाए कोट। अब दिखा रुपया निकाल कर। पहले देखो यहाँ आसपास कोई है तो नहीं। अरे बाबा कोई नहीं। हाँ बाबा, अब तो दिखा। एक शर्त पर, ये कोट जादू का है ये किसी को नहीं बताओगे? हाँ नहीं बताऊंगा, लेकिन तू दिखा ना रुपया निकाल। हाँ, के दिखा ना। हाँ
खैर मत निकाल सिक्के। इस जादू के कोट से एक एक रुपए के सिक्के निकलते हैं, ये बात मगन हवालदार और उन तीनों को पता चल गई है, इसीलिए हम इस कोट को कहीं छिपा देंगे और जब रुपयों की जरूरत होगी रघु कोट बंद कर निकाला करेगा। ठीक है, अब जेब से रुपया निकल के दिखा ना। हाँ। ये देख। जादू का कोट देखा, ये हाथ डाला, ये रुपया निकाला, ये हाथ डाला, रुपया निकालो, हाथ डालो, रुपया निकालो। सुन मेरी बात मान ले, बिना आवाज किए हमारे साथ रह, अब हमें किसी के रहम की जरूरत नहीं, मंजूर है? खोलो तेरे हाथ। मां और मां, कोट से सिक्का निकलना तो बंद नहीं होगा। ये देख, ये देख। पता है तुम्हारे सिक्कों की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही है, अब बंद भी करो निकालना। 1000 तो हो जाने दो। जरूरी है रोज 1000 सिक्के निकालना, कल भी 1000 निकाले थे, परसों भी। ठीक है ठीक है, 800 निकालूंगा बस। रघु तेरे लिए ब्रेड बटर लाई हूँ, खाएगा? अरे मान क्यों नहीं लेता है? ये ऐसे नहीं मानेगा। लड़ा जरा माचिस देना। कल कोई कह रहा था कि यहाँ कोई वो रहता है घोड़े की नाल बनाने वाला। कह रहा था तो उसी से पूछ लिया होता ना। अरे पिछले हफ्ते से बार बार माचिस मांगकर यही सवाल क्यों पूछते हो तुम? ए क्या है, हर बार माचिस मांगकर पैसे देना क्यों भूल जाते हो? मुझे मत बोले। लाला, लाला, तेरा लाया आया 800 रुपया। 700 मिलेंगे। लेकिन लाला 750 में बात तय हुई थी। तो भाई ये तू ले जा वापस, है? मैं तो मगन हवलदार को बता दूंगा कि तूने और रघु ने किसी बैंक में डाका डाला है कि नहीं। चलो 700 ही दे। अब आया ना लाइन पे, ये ले देख, 1 2 3 4 5 6 7 चलो। ये आदमी वो घोड़े की नाल नहीं बनाता। एक नहीं, वो जगू का जीजा है ना। हाँ है तो कितनी बुरी तरह से बांधा है ना रघु को। मगन मामा को चल के बोले? नहीं नहीं, हम खुद जाकर रघु को छुड़ाएंगे। कैसे? रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो हम चुपके से जाके रघु की रस्सियाँ काट देंगे। अंधेरे में ठोकर लग के आवाज हुई तो? मेरे पास टॉर्च है, मैं अभी लाती हूँ। सुन मुनि सुन, रघु के घर के सामने मिलना, हम अभी पुलिस पेटी रखकर उधर ही आते हैं। जल्दी आ। हाँ हाँ। चल बनो, चल जल्दी। चल रहा चल रहा। कौन है इस वक्त? सुनो कौन है? पता नहीं। खबरदार, छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ो। आवाज नहीं, सोने की मुर्गी कहाँ छुपा रखी है मोटे? बोलो कैसे मुर्गी? रघु कोई आने रहता है क्या? मुर्गी, अरे हेलो माय गोल्डन बॉय। अरे साध्वी ने कैसे बांध रखा है इसको? अरे कर, चिंता मत कर तू। जानवर की तरह बांध रखा है, ये क्या जानवर है क्या मोटे? चिंता मत कर बेटा, चल 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 चल, आजा आजा आजा, चल चल चल, आपने कर चलो दोस्त। एक एक मिनट, एक मिनट, आजा आजा। पीछे आने की कोशिश की तो चलो, यहाँ की कैफ से तो छट्टी।
आती है, मैं मिल चुका हूँ एक से। तो फिर तुम जाते क्यों नहीं? जा रहा। अबे भाग, अबे जल्दी करो यार, ये छूट जाएगा मेरे हाथ से। कहाँ रह गया तुम? जल्दी करो। कितनी देर लगा दी? अरे बाबा हो गई, लेकिन टॉर्च ये देख, इसमें सेल बराबर है ना। अरे चलो ना तुम लोग, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? अरे मुनीत चल जल्दी। रघु कहाँ है? उसी को तो छुड़ाने हम आए। वो अभी भाग कर गया है। क्या? उसके पीछे तीन लोग पड़े हैं। वही तीनों होंगे। फिर चलो। रघु, 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 तुम खिड़की से देख रहे हो? बाहर जाकर कुछ करते क्यों नहीं? मुझे मरना है उनके पीछे जाके। चाकू नहीं देखा उनके हाथ में, भाड़ में गया रघु। चल उधर जाकर देखते हैं। नहीं तुम लोग उधर जाओ, मैं इधर देखती हूँ। रघु, 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 अरे वही तो हम कर रहे हैं। चुप कर। चल चल चल। चुगा चुगा। क्यों 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 क्यों? अरे कुछ नहीं होगा यार, मेरे को बहुत सारा पानी मिला दिया है। हाँ और परफ्यूम भी। अरे कुछ नहीं होगा ऐसे। देख 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 कुछ हुआ? फिर भी कुछ हुआ? कुछ हुआ बेटे मेरे को? अपने घर चली जा लड़की, वरना हम उसकी गर्दन उड़ा दें। वापस चली जा और खबरदार जो किसी को खबर दी तो। नहीं करूंगी। मैंने धमका क्या? अब वो नहीं आएगी। चलो ठीक है तुम्हें। चलो चलो मुन्नी बोलो। हाँ वो लोग रघु को बेहोश करके ले गए। बाप रे, चलो चलकर मगन मामा को खबर करते हैं। नहीं नहीं, हम खबर करेंगे तो वो लोग रघु को मार देंगे। ऐसा किसने कहा? उसी काली टोपी वाले ने। लड़का, लड़का कहाँ है? अरे उठ, उठ तो, अरे उठ काजल, उठ। अरे तुमसे लड़के की निगरानी करने को कहा था, सोने को। कहाँ गए? पूछो इससे, इससे पूछो। अरे उठ तो, उल्लू। ओ, ओ, अरे अरे वो जा रहा है, वो देखो। कहाँ? नीचे
जा रहा है। तुम्हारी वजह से हाथ से क्या लड़का। लापरवाही की भी हद होती है। अरे साथ मुझे जुकाम हो गया था तो मैं क्या करता। जुकाम हो गया था तो उसी तुम्हारे नाक में गया था तो मैं क्लोरोफार्म की महकी आई। मेरी नाक बंद थी। चुप। मैं बाप जी पहले कह रहा था बच्चे को बेहोश करने का काम मुझे सौंप। तुम्हें सौंप देता। अरे तुम क्लोरोफार्म सूंघ देते तो ऊपर चले गए होते। ये तो फिर भी बच गया। दिल का मरीज हो। अरे बाप जी बुरा लड़का। अब बोलो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन तू कब तक चिपका रहेगा। उतार के फेंक दे इस कोट को। नहीं नहीं ऐसा कोट हर एक को नहीं मिलता। लेकिन ये कोट तेरी जान भी तो ले सकता है। ठीक है थोड़े दिनों बाद फेंक दूंगा। थोड़े दिनों बाद नहीं अभी। अच्छा आज शोर आने दे। देख आया काबू में। जाता क्यों नहीं। हमारे साथ चलो। ये कोट हमें उतार कर दे तो हम इसे बड़ी हिफाजत से रखेंगे और जब हमें जरूरत होगी तो हम तुम्हें पहना देंगे। कोट हमें दे दो। देता कि नहीं। अरे अरे ये इसने क्या कर दिया। अरे अरे काजल। अरे बेनी। अरे किसने कोट को पानी में फेंक दिया। अरे काजल 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 कूदो 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 कोट को लेकर आओ वरना ईरानी और लॉज का मैनेजर हमें हवालात में बंद करवा देगा। मुझे मंजूर है वो। मैं नहीं कूद सकता समुद्र में। मुझे तैरना नहीं आता। नहीं आता मुझे तैरना है। क्यों 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 बेनी। हाँ यही तो रोना है। हम तीनों को सिर्फ डूबना आता है। मेरे कोट पर में बिकती वो तीनों तो रोने लगे। कूदा नहीं कोट लेने। क्या मालूम वैसे भी मेरे बिना वो कोट और किसी के काम नहीं आ सकता। वो कैसे। क्योंकि वो कोट जब तक मैं ना पहनूं तब तक उसमें से रुपया नहीं निकलेगा। अच्छा। हाँ तभी तो वो लोग मुझे कोर्ट के साथ पकड़ने आए और मैंने कोर्ट पन में फेंक दिया। अच्छा किया। उनको भी फेंक देता। रघु 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 तूने कहा था आज शाम को पानीपुरी की दुकान पर मिलना। पानीपुरी खिलाऊंगा। हम एक घंटे तक तेरी वहां राह देखते रहे। अब मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों कोर्ट से। कोर्ट डिब्बे में भूल गया क्या। कैसा कोर्ट। अरे तेरा कोर्ट। लो फिर से छीन के तो नहीं ले गया तेरा कोट। मेरे पास तो कोई कोट नहीं था। क्यों मजाक करता है। मुन्नी कहाँ है इसका कोट। किस कोट की बात कर रहे हो तुम दोनों। वही जो रघु को नीले बाल वाली बुढ़िया ने दिया था। हाँ मुझे किसी ने कोई कोट नहीं दिया। इन्होंने जरूर कोट कहीं छुपा के रखा है।